हेलो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में सो दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक लेटेस्ट हिडन सेटिंग के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा जिस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो उसके काम कितने हैं दोस्तों उसके बहुत सारे काम हैं एक अकेली सेटिंग के तो वो आप कैसे इनेबल करेंगे वो लेटेस्ट अपडेट आई है अभी तो और वो एप्लीकेशन जो है आपकी बैटरी बैकअप आपके फ़ोन की जो हीटिंग प्रॉब्लम है फास्ट चार्जिंग जितने भी प्रॉब्लम आपके डिवाइस में आती है फास्ट चार्ज नहीं होता है फोन या फोन हीट करता है बैटरी ड्रेन करता है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है फोन लैग करता है हैंग होता है सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको एक सेटिंग में लेके आया हूं तो वो कौन सी सेटिंग है और दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग डिवाइस है तो ये सेटिंग आपको जल्दी ही मिल जाएगी तो अगर आपको नया अपडेट आ चुका है तो वो कौन सी सेटिंग है और वो आपको कहाँ पे मिलेगी तो वीडियो यहाँ पे मेरा पूरा देखते हो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस जो हैं अपलोड होती रहती हैं सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टैक् चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो दोस्तों वो सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगी आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग पर चले गए दोस्तों ध्यान से देखिए अगर आपका सैमसंग डिवाइस अगर आपके फ़ोन में सेटिंग नहीं है तो मैं उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन कहाँ पर आपने ढूंढनी है ठीक है और उसी की एक सेम सेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं तो कहाँ पे मिलेगी ठीक है ध्यान से देखिए आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है फिर आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आप फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिवाइस केयर का डिवाइस केयर आप सोच रहे होंगे इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया लेकिन यहाँ पे एक एक नई सेटिंग ऐड हुई है ठीक है वो कौन सी है उसके बाद आपने बैटरी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है कर दिया बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने ऐप आप पावर मैनेजमेंट पे जाना है ठीक है चले गए फिर आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलता है पहले मिलता है स्लीपिंग ऐप्स मतलब कि आपके यहाँ पे जो भी ऐप्स आप यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो स्लीप मोड में चली जाएगी उसके बाद आता है नया ऑप्शन आया यहाँ पे डीप स्लीपिंग ऐप्स मतलब डीपली तरीके से वो स्लीप हो जाएगी वो ओपन नहीं होगी जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डीप स्लीपिंग ऐप विल नेवर रन इन द बैकग्राउंड दे आर ओनली वर्क वेन यू ओपन दैम मतलब कि वो जहाँ जो ऐप यहाँ पे आप ऐड करेंगे वो टोटली मतलब रन नहीं करेंगी बैकग्राउंड में आप आपके और वो रन तभी करेगी जब आप उसको यूज़ करेंगे या फिर ओपन करेंगे तभी ये वर्क करेगी तो मैं ऐड ऐप्स पे जाता हूँ ठीक है ऐड ऐप्स पे जाने के बाद जो ऐप आप, आप यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं आप चाहते हैं कि वो टोटली आपकी बैकग्राउंड में सो जाए स्लीप हो जाए खत्म हो जाए ठीक है जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ से आप सभी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में रन ना करे, वो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में स्लीप हो जाएगी ठीक है कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में रन ना करे तो मैंने इसे ऐड कर लिया मान लो कि मैंने ये कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे एड्स कर लिए ठीक है ये हो गई हमारी डीप स्लीपिंग ऐप्स तो ये टोटली डीप स्लीपिंग होगी मतलब कि ये आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी इससे क्या होगा आपकी बैटरी बैकअप बढ़ेगा पहले तो फिर आपकी चार्जिंग फास्ट होगी उसके बाद आपका फ़ोन हीट नहीं करेगा उसके बाद आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा लैग नहीं करेगा मतलब कि टोटली सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन इस छोटी सी सेटिंग में है तो मैं आशा करता हूँ कोई ये सेटिंग आपको फ़ोन में मिल गई अगर नहीं मिली होगी तो आपको अपडेट का वेट करना होगा नेक्स्ट वो कि जल्दी ही सभी सैमसंग डिवाइस को मिलने वाला है तो अगर आपके पास कोई और ब्रांड का डिवाइस है तो आपको ये सेटिंग मिलती है तो आप इसे फटाफट जो है जाके ऑन कर लें और यहाँ पर जो ऐप आप ऐड करना चाहते हो वहां पे ऐड कर ले तो ये था आज का अच्छा वीडियो मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सो so, बाय बाय टेक केयर जय हिंद बंदे मातरम